ध्यान दीजिए, आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, योगिराज श्री कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान शंकर नहीं है और भगवान दयानंद नहीं है, स्वामी श्रद्धानंद नहीं है, लेकिन ऋषिराज तेरा तेज चौर छा रहा है, तेरे बताए पथ पर संसार आ रहा है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ता जाओ, ये समाज आगे बढ़े, वो हीरो आगे बढ़े, आप सभी आगे बढ़ो, आशीर्वाद चाहता हूँ। आर्य समाज बिरला लाइंस, इसके आर्य समाज वन हब जैसे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब रिश्ता कर दो खाली, अनुराग दयानंद वा, अब रिश्ता कर दो खाली, आनंद वा, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाल, अब वाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज। बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे, निर्भय ऋषि के प्यारे, पत्थर बरसे या अंगारे, पत्थर बरसे या अंगारे, बजा बजा के ताली, आई फौज दयानंद वाली, हमें इसके माली, आई फौज दयानंद वाली, हम रोता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली, हम है वीर बलशाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली, आपके सामने अभी। इस समय जो हमारे समक्ष से झांकी निकल रही है, रानी लक्ष्मीबाई को नमन करती हुई, उस झांकी में एक इतिहास है महिलाओं, महिला शक्ति का, महिला शक्ति ने सिखाई थी। ये बच्चे हमारे समक्ष लेजियम का प्रदर्शन कर रहे हैं, इन बच्चों को मैं हार्दिक बधाई आर्य समाज दीवान हॉल की ओर से देता हूँ। आर्य समाज दीवान हॉल जो दिल्ली की प्रथम आर्य समाज है, उसकी ओर से मैं हार्दिक बधाई और इन बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले इनकी अध्यापिकाओं को, उनको भी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से इन्हें ट्रेनिंग, उन्होंने बच्चियों की इनको शिक्षित किया जाए, क्योंकि जो बच्चियां शिक्षित होंगी वो दूसरे घरों में जाएंगी और वहां जाकर भी वो वही संस्कारों का प्रसार और प्रचार करेंगी जो उन्हें बचपन में मिले हैं। इसके लिए अलग से गुरुकुल खोले गए, इसके लिए अलग से कन्या विद्यालय खोले गए। आज भी अगर आप देखें तो आर्य समाज द्वारा अपने भाई हैं, कुछ समय के लिए पथ विमुख हो गए थे, परंतु उसके पश्चात वो कुछ समय के लिए पथ विमुख हो गए थे परंतु उसके पश्चात अब ये अपने घर में वापस आया है। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाया है। मैं मानता हूं ये घर वापसी इसे कहा गया है, परंतु आर्य समाज दीवान हॉल दिल्ली की ओर से इंद्र रहे, अमर रहे, अमर रहे, ये दयानंद आदर्श दर्शन यहाँ इस ऐतिहासिक घंटाघर के स्थल पर करके दिखाएं, ताकि यहाँ के लोगों को पता लगे कि किस प्रकार से इन बच्चियों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आर्य समाज इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें सवार सभी आर्य भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये झांकी है 30 मार्च सन 1919 की, ये वो ऐतिहासिक झांकी है जहाँ ये स्टेज बना हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम का एक जलूस आ रहा था जिसका नेतृत्व स्वामी शुद्धानंद और रोलेट एक्ट के खिलाफ ये था। दूसरी तरफ फतेहपुरी मस्जिद, स्वामी शुद्धानंद जी महाराज, उन्होंने अपना सीना खोला और आगे बढ़े और बोले अगर किसी पर गोली चलानी है। वहाँ इस वाहन में सवार सभी बच्चियों का, माताओं का, इनका आर्य गुरुकुल रानीबाग
यहाँ से जो आए हैं आर्य समाज दीवान हाल दिल्ली की ओर से के इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस पर आर्य गुरुकुल बिहार यहाँ के बच्चे अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो मार्गदर्शन मिला है उसे दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। स्वामी शुद्धानंद जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। इन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग बना रहे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, जोर से तालियों बजाइए। जो बोले सौरभ धर्म की जय है। इसकी ओर से मैं डॉक्टर रविकांत अपने प्रधान श्री कृष्ण गोपाल जी दीवान की ओर से अंतरंग सभा के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इन बच्चों का। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दिल्ली की प्रथम आर्य समाज जो लाल किले के समक्ष स्थित है। आर्य समाज है जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा स्थापित किया था। उसकी ओर से मैं आर्यवीर दल के इन बच्चों का आर्य समाज है जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। उसकी ओर साज दीवान हाल में भेज दे। आर्य समाज रोहिणी के भी मेरी माताएं और बहनें उपस्थित हैं। क्रांति आर्य महिला सभा गुजरांवाला की, दिल्ली की क्रांति आर्य महिला सभा की महामंत्री श्रीमती रचना आहूजा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनका आर्य समाज दीवान हाल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस समय निवेदन कर रहा हूं स्थल है जहां पर ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहां पर ज्ञात होना चाहिए चांदनी चौक क्षेत्र के निवासियों को ही नहीं। बरास की जानकारी देता है कि जिन्हें जो हमसे जन्म हमसे बाद में हुआ है, जिन्हें शायद इस बात की जानकारी ना हो, परंतु मैं नहीं मानता। इस पर आप अपना नमन कीजिए। आपके पीछे टाउन हॉल के समक्ष देखिए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की एक प्रतिमा। आमतौर से राष्ट्रपति भवन से के राष्ट्रपति ने किया था। ये एक ऐतिहासिक बात है, ये ध्यान रखने की बात है। आपको अपने बच्चों को अपने को फेल करने के लिए हरिद्वार जैसी जगह में एक ऐसा गुरुकुल बनाया। कोई बहुत अधिक शहरी सुविधाएं नहीं है, बच्चे गुरुकुल के तरीके से रहते हैं और उस गुरुकुल को ये बच्चे आपके समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन, ये देखिए लाठी का प्रदर्शन। ये बच्चा आर्यवीर दल का सदस्य ये आपके समक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है, तालियों से इसका स्वागत कीजिए। आगे मैं आपको जिस प्रकार से बच्चा प्रदर्शन कर रहा है मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेज सूचनाएं उन्हें मिली थी कि देश की आजादी के लिए जो काम कर रहे हैं वो लोग हरिद्वार के। इन्होंने देखिए क्या बनाया है, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए।
लिए बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अमर रहे। कि क्या आपके यहाँ बम बनते हैं? बोले हाँ मैं बम बनाता हूँ, और वो ऐसे बम बनाता हूँ जो इस अंग्रेज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आर्य समाज दीवान हाल जो दिल्ली की प्रथम आर्य समाज है, उसकी ओर से मैं डॉक्टर रविकांत प्रधान श्री कृष्ण गोपाल जी दीवान कोषाध्यक्ष लाला ज्ञान स्वरूप जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे मंच के समक्ष ये जो आर्य भाई बहन खड़े हैं, इन सभी का आर्य समाज दीवान हल दिल्ली की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये बच्चे जिन्होंने तिरंग ये ऊंचा रहे ओम का झंडा, ओम का झंडा, ओम का झंडा, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, धर्म पर कुर्बान होने वालों की जय। धर्म कभी परवाह नहीं की, अपने जीवन की कभी परवाह नहीं की कि उनको कोई मृत्यु कि वो कैसे रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसी संबंध में आपका निवेदन है इस अवसर पर हेलो ये देखो सबसे बाद में करता हूँ। हेलो आ जाए थोड़े से ये वो नहीं आएंगे थोड़े से मंच की तरफ को आ जाए। निवेदन है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।